नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं रास क्लासेस पे। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की जो मैथ्स है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर से आपका ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर से आपका, तो इसका दो वीडियो ऑलरेडी आपकी लाइव क्लासेस हो चुकी है मेरे साथियों। अगर जो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप लोग आराम से उस वीडियोज़ को पहले देख लीजिए। यानी उस वीडियोज़ में हम बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरम्स, जितनी त्रिकोणमिति की परिभाषा सहित और विथ एग्जांपल के साथ मैं आपको पूरा डिक्लेयर कर चुका हूं। तो लेकिन इस वीडियोज जो आज के वीडियोज है इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम प्रश्नावली 8.1 के बारे में बात करेंगे। तो इससे आपकी क्या होगी, चैप्टर से चैप्टर को क्वेश्चंस बनाने से पहले इसके कुछ फार्मूलाज है, यानी फर्स्ट वाले चैप्टर में कितनी फार्मूलाज की जरूरत पड़ती है, सेकंड वाले चैप्टर के कितनी फार्मूलाज की जरूरत पड़ती है, सभी को मैं आपको चैप्टर वाइज फार्मूलाज मैं आपको दूंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को आराम से बनाते चलेंगे। तो चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूलाज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना पड़ता है समकोण त्रिभुज, जो इस चैप्टर है आपका प्रश्नावली 8.1, इसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में समकोण त्रिभुज को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो समकोण त्रिभुज कहते किसको है, तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो, यानी 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाती है। तथा शेष दो कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, थीटा, एटीसी से हम इसको क्या करते हैं हम लोग, तो निरूपित करते हैं, इस सब से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। तो लेकिन हम ट्रिगोनोमेट्री में जो छोटे वाली एंगल है थीटा, इसको हम लोग किससे डिनोट करते करेंगे, तो हम लोग इसकी कोण को हम लोग न्यून कोण को थीटा से हम लोग डिनोट करेंगे, जनरली ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं। तो इसकी बेसिक चीज है क्या, नीचे वाले को हम लोग आधार कहते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको ही आधार क्यों कहते हैं, इस वाले को आधार क्यों नहीं कहते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लंब है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पिछले वाली वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पूरी डाउट्स उसमें क्लियर हो गए होंगे ये सब चीज़ से रिलेटेड। चलिए पहले आप देख लीजिए आधार को बी यानी स्मॉल बी यानी वेस, और लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर स्मॉल पी, और कर्ण जिसको हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो पहले इसके कुछ फार्मूलाज जो है हम जानते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट यानी या कर्ण स्क्वायर कहिए या कर्ण बराबर कहिए, बात बराबर है दोनों, क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो आपको हमें यहाँ पे निकालना है आधार, तो आधार निकालना है अंडर रूट, क्या हो जाएगा लंब सॉरी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हमें हो जाएगा। अगर जो हमें यहाँ पे निकालना रहेगा लंब, तो लंब बराबर क्या होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये सब चीज आपको फॉर्मूला आती होनी चाहिए, आपका पाइथागोरस की फॉर्मूलाज है जो आपको अच्छी प्रकार से आते होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग आराम से इस फॉर्मूलाज को पहले लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे साथियों। ये सब चीज आपको आती होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चीज है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मूलाज जो बता दिया, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वाले को आधार क्यों कहते हैं, इस वाले को लंब क्यों कहते हैं। कर्ण तो हमेशा कर्ण आपका बराबर यहाँ पे रहेगा, तो आधार और लंब या कर्ण क्यों कहते हैं सभी के बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग आधार के बारे में सॉरी पहले लंब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि लंब का होता परिभाषा क्या है, यानी परपेंडिकुलर। तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा को आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, तथा शेष दो जो न्यून जो शेष दो कोण बच जाता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आप बोले हैं कि हम बोले हैं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में आपको न्यून कोण को किससे डिनोट करता है, तो थीटा से हमें एक न्यून कोण को हमें यहाँ पे प्रदर्शित करना है, डिनोट करना है। तो लंब का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो न्यून कोण की यहाँ पे मैंने एंगल सी लिया हुआ है, न्यून कोण की सम्मुख भुजा यानी न्यून कोण की सामने की भुजा को, परिभाषा को पहले अच्छे प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास लंब का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा यानी न्यून सम्मुख का मतलब होता है सामने, तो न्यून कोण की सामने यानी सम्मुख की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो लंब कहा करते हैं। आधार क्या है, तो लंब जिस भुजा के साथ समकोण बनाती है, यानी समकोण कहने का मतलब कि 90 अंश का कोण बनाती है, जो लंब है किसी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। और कर्ण का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ये तो आपको परिभाषा होगा, परिभाषा को आप लोगों ने लिख लीजिएगा।
तो होता है कि यहाँ पे हम लोग न्यून कोण सी को एंगल सी को लेते हैं, सम्मुख भुजा क्या है ये वाला, तो एक हो जाएगा, यानी इसके सामने के भुजा को लंब कहेंगे, और लंब जिस भुजा के साथ समकोण बनाते हैं इसको हम लोग आधार कहते हैं, और समकोण के सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। एक दूसरी फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ए बी और सी, हम आप कहो कि सर आप एंगल ए ले लीजिए, तो ठीक है मैंने एंगल ए ले लिया, यानी कोण ए ले लिया, ये तो हमारा 90 डिग्री है। आप जानते हैं इसके सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये न्यून कोण लिए तो इसके सामने यानी सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, और ये वाला हमें लंब, सॉरी ये वाला हमारा क्या इसके सामने की भुजा है, तो ये लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं परिभाषा आपको समझा देता हूँ। यानी क्या है लंब किसे कहते हैं, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा यानी न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और आधार किसे कहते हैं, तो लंब जिस भुजा के साथ समकोण बनाते हैं यानी 90 अंश का कोण बनाते हैं उसको हम लोग आधार कहते हैं। कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण के सम्मुख भुजा को जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। ये चीज आपको पूरी से पूरी समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, हमें इसमें बात करनी है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ठीक है, उससे सब के बारे में मैं बात आपको करने वाला हूं। तो वीडियो को हमारे साथ आप लोग बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरा से पूरा आपको समझ में आने वाला है। तो होता क्या है इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है पहले इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ए बी और सी, तो पहले हम इसको, ये तो बी है, ये पी है, ये एच है, एंगल मैं सी से लिया हूँ, ठीक है। तो पहले देखिएगा इसका रेशियो, जिसका अनुपात निकालेंगे तो एक बार पी बटा एच होगा, इसी का उल्टा एच बटा पी होगा, एक बार बी बटा एच होगा और एच बटा एक बार बी होगा, ये ठीक है, एक बार पी बटा बी और एक बार बी बटा पी होगा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, ये आपका त्रिभुज का अनुपात निकला। त्रिभुज का अनुपात इसमें से कितना है, तो 6 है, तो इसी से रिलेटेड आता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। जो त्रिकोणमितीय अनुपात भी है वो भी हमारा कितना ही है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी 6 होती है। तो कौन कौन से अनुपात होती है सभी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है, फर्स्ट में हम लोग लेते हैं साइन थीटा, इसके बाद आता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक आ जाता है हमें कोसेक थीटा। सॉरी यहाँ पे लिख लेते, समझने में आपको समस्या नहीं होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा 3 ही होता है, और इसी का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। आप लोगों ने पिछली कुछ कक्षा में पढ़े हो कि हाँ इसको क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम किससे कहते हैं, तो योज प्रतिलोम आप लोग जानते होइएगा और गुणात्मक प्रतिलोम भी जानते होइएगा। तो वही इसका ये सबका ये सब क्या हो जाएगा, इसका ये तीनों का ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कौन किसका हो जाएगा वो हम लोग समझ लेंगे, यानी टेन का गुणात्मक प्रतिलोम कॉट, कॉस का सेक, और साइन का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक हो जाएगा। इससे सब चीज के बारे में पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी ऊपर से वैसे कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और ये होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। अब यहां पे बात आता है टेन सॉरी कॉट थीटा का, तो इसी का एडिटिव यानी गुणात्मक प्रतिलोम है। तो पहले हम लिख लेते हैं लंब बटा आधार है, तो करने क्या है, आधार को ऊपर ले जानी है, लंब को नीचे ले जानी है, यही करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। आगे आता है सेक थीटा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, और नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस फॉर्मूला को लिखकर याद कर लीजिएगा, कोसेक थीटा और कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये सब आपकी फॉर्मूलाज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसी चैप्टर के लिए प्रश्नावली 8.1 के लिए जो ये फॉर्मूलाज में बताया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं क्वेश्चन आपको बनाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अभी हम एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाएंगे पहले, तो एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं कोई भी एक लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास साइन थीटा बराबर हम लोग ले लेते हैं 3/5 हमारे पास साइन थीटा है। तो इसके बाद हमें कहता है कि जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को निकालिए। तो यहाँ आपको बात है कि साइन थीटा बराबर मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ लंब बटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है।
तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा लंब हो जाएगा, लंब का वैल्यू 3 हो जाएगा, और कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू कितना, तो कर्ण का वैल्यू 5 हमें यहाँ पे हो जाएगा। ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी आपका फॉर्मूला इस प्रकार की क्वेश्चन बनाने के लिए रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए रहेगा, तो आपको 3 चीज निकालनी होगी, जिसमें से आपकी 2 चीज आपको दिए रहेगी ऑलरेडी, यानी इसमें आपको अगर जो लंब और कर्ण दिया है तो निकालना क्या पड़ेगा, तो आधार निकालना पड़ेगा। जब वह तीनों चीज आप लोग निकाल लीजिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे मेरे साथियों, बहुत ही जल्दी जल्दी, क्योंकि वो निकालना हमें कंपल्सरी होता है। तो इसमें से हमें निकालना क्या है, तो हमें इसमें से आधार का वैल्यूज निकालना है। तो आधार बराबर मैंने लिखा है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और लंब है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, इसका होएगा 9, तो इसको हटाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना आता है, तो 4 आ जाता है। तो थोड़ा सा इसमें हम नहीं जानते कि इसमें यूनिट दिया हुआ है, यानी सेंटीमीटर की मीटर में दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग उसको कर लेते हैं। फिर से हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास लंब बराबर कितना है, 3 है, तो 3 के लिख लेंगे, आधार बराबर कितना लिख लेंगे, 4 के लिख लेंगे, और कर्ण बराबर, कर्ण जो है हमें 5 के लिख लेंगे, जो हमें यूनिट नहीं दिया गया इसलिए मैंने इस चीज को लिख लिया है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें यहाँ पे दिया गया है, तो 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा इसका, तो इसका आधार है कितना है, 4 के आधार है, और कर्ण 5 के है, के से के कैंसिल, बच जाएगा 4/5 कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, और टेन थीटा रहेगा, तो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना होता है, तो लंब इसमें से हो जाएगा हमारा 3 के, और आधार हो जाएगा 4 के, ये कैंसिल, तो 3/4, ये हमारे आंसर हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। इसी प्रकार से इसकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगी, इस प्रकार की क्वेश्चन रहेगी, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। एक और आपकी टाइप जो मैं आपको समझा देता हूं, वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज समझ में आ गया तो समझिए त्रिकोणमिति का हर एक चीज आपको समझ में आ गया। बट हमारे साथ आप लोगों को पूरा वीडियो के साथ बने रहना है, जिसको आपकी जितनी त्रिकोणमिति से संबंधित जितनी सारी क्वेश्चन है प्रॉब्लम में, सभी चीज को मैं पूरा एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पूरी समस्या को मैं हल करूंगा। जैसे कि यहां पे कह दिया हमें कि साइन ए बराबर हमें दे देता है 6/10, ठीक, साइन ए बराबर 6/10 दे देता है। अब हमें यहां से क्वेश्चन बोलता है कि आप साइन ए कॉस सी निकालिए, एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हम लेते हैं। तो ये सब जो बनाने के लिए रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस वाली क्वेश्चन की तरफ, तो हम लोग इस जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए हम एक फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग पूरा से पूरा समझिए मेरे साथियों, जो आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो पहले हमें दिया गया है साइन ए बराबर दिया हुआ है 6/10 दिया हुआ है। आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यह यहां पे फिगर बना लेते हैं हम लोग, ए बी और सी, ठीक है, ये तो 90 अंश का हो जाएगा। ये हमारा साइन ए इस वाले से दिया हुआ है, तो इसका ये आधार हो जाएगा, सॉरी ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, तो लंब वटा कर्ण होगा, तो लंब ये हो जाएगा, और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या पड़ेगी, तो आधार निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग आधार लिख कर नहीं निकालेंगे, आधार बराबर लिख कर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे कि देखिए, एक बार हमें एंगल क्या दे दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ निकालने के लिए, और एक बार एंगल सी दिया हुआ निकालने के लिए। आप लोग आधार और कर निकालेंगे तो कहोगे तो दोनों तो सबका साइन के लिए भी वही है और कॉस के लिए वही है, लेकिन आपके यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, यही आपको ध्यान देने वाली बात है। ये सब लंबवट आधार लिख कर नहीं करेंगे, इसका जो यूनिट है जो ए बी है, ए बी लिख के हम लोग करेंगे। तो ए भी हमें यहां पे निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ए बी बराबर हमें आ रहा है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, हम लोग घटाते हैं 64, आ जाता है हमारा वैल्यू 8। इसका कितना वैल्यू आ गया, तो 8 हमें वैल्यू आ गया, यानी ए बी का वैल्यू हमें 8 आ गया हुआ है। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ, ए बी बराबर हमें 8 के, बी सी बराबर 6 के, और ए सी बराबर हमें कितना आ गया, तो 10 के हमें आ गया।
तो हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस सी। फर्स्ट में यहां फॉर्मूला जो का क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहां लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, आधार बटा कर्ण होता है। तो साइन ए के लिए लगाएंगे, इसका लंब क्या हो जाएगा, तो इसका लंब ए हो जाएगा लंब, और इसका कर्ण 10 हो जाएगा, फिर गुना। और सॉरी यहां पे पहले लिख लेते हैं, एक मिनट देखिएगा, यहां पे जो इसका लंब है, लंब को हम लोग किससे डिवाइड कर लेते हैं, तो बीसी से कर लेते हैं और कर्ण को एसी से कर लेते हैं। थोड़ा सा और थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते चलते हैं। और कॉस सी, इस वाला एंगल को ले रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला इसका आधार हो जाएगा, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, तो बीसी, और कर्ण हो जाएगा एसी। अब देखिएगा बीसी का वैल्यू 6 के और एसी का वैल्यू कितना है, 10 के गुना 1 के से, तो के कैंसिल, और बीसी का जो वैल्यू है, फिर आप हमारा बीसी का वैल्यू कितना होता है, 6 के और एसी का वैल्यू 10 के होता है, सब कैंसिल हो गया और गुना कर लेंगे तो 36/100। इसको हम लोग काट कर भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी हम लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे हमें समस्या नहीं होने वाला है। ये सब चीज आपको बिल्कुल पूरी से पूरी समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, आप के को लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि के आपका कैंसिल हो रहा है मेरे साथियों यहाँ पे। कि अगर जे बचता तो आप कहते कि हाँ सर मैं यहाँ पे के क्यों लिखूं, या के जगह पर मैं दूसरा किसी डिजिट का यूज कर सकते हैं, तो साथियों कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एलिमिनो को एम एल एन ओ पी क्यू या एक्स वाई जेड कुछ भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी यूज करते तो कोई समस्या नहीं होगी मेरे साथियों, ठीक है। तो आगे हम आप बढ़ेंगे प्रश्नवली 8.1 के क्वेश्चन के बारे में, हम लोग आगे की डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी है, वह समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है, किसका किसका मान हमें ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी, इस सब का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले हमें जो दिया गया है त्रिभुज के माध्यम से, इस त्रिभुज को हम एक बना लेते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी कह रहा है कि इसका जो बी वाला है आपका समकोण त्रिभुज है, तो हमें इसमें दिया हुआ है ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या हो जाएगा, इसका ए सी हमें निकालना पड़ेगा, तो ए सी बराबर यानी कर्ण है, तो कर्ण बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, तो ए बी हमारे पास कितना है, तो 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे और बी सी 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 के स्क्वायर आ जाता है 576 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, दोनों को हम लोग जोड़ते हैं 625, और 625 का हमें वर्गमूल निकलना है, कितना आ जाएगा 25, ए सी बराबर हमें कितना आ गया, तो 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ तो हमें ए सी का भी वैल्यू हमें क्या हो गया, तो निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है फर्स्ट में, फर्स्ट में फर्स्ट का एक फर्स्ट क्या है, साइन ए का वैल्यू हमें निकालना है, तो साइन ए का वैल्यू हमें निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां देख लेंगे साइन ए से हम लेते हैं एंगल जो ए वाला है, ये लेंगे इसके सामने की भुजा, ये वाला ए बी सी है यानी ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, तो लंब की जगह हम लोग किसका डिनोट करेंगे, बी सी के वैल्यू लिखेंगे, यानी बी सी और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो बी सी का वैल्यू कितना है, तो 7 है और ए सी का वैल्यू हमारे पास 25 है, तो एक आंसर हो गया साइन ए बराबर कितना हो गया, 7/25। इसके बाद क्या है इसमें, कॉस ए है, तो कॉस ए है तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो एंगल इससे कॉस निकाले तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, तो ए बी, ए बी बटा कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू हमें 24 बटा ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाली ये वाली हमें क्वेश्चन यहाँ पे बन गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे साथियों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, पहले निकालना है साइन सी, तो पहले तो फॉर्मूला आपको लिख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला। तो यहाँ देखिएगा साथियों, साइन यानी एंगल हमारा
कौन सा इसमें ले रहा है, तो एंगल सी वाला ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये भी इसका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ए बी बटा ए सी को हम लोग लिख लेंगे, ए बी बटा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर और इसका 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अगला आता है कॉस सी आता है, तो कॉस सी वही होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा 7, सॉरी आधार इसको ले लेते हैं, इसके ले लेते हैं आधार बी सी, पहले बी सी ले लेते हैं और कर्ण ए सी, तो बी सी है 7 और बट्टा 25 हो जाएगा ये आंसर। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा आसानी तरह से आपको समझ में आ गया होगा हमारे साथियों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, आकृति 8.13 जो आकृति ये दिया गया है मैंने बना लिया है, इसमें है टेन पी, यानी टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना, इसका वैल्यू हमें बताना है जो आकृति में दिया गया है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन में लेते हैं, पहले एक फिगर मैं अच्छा तरह से बना लेता हूँ, पहले एक फिगर जिसमें पी क्यू आर हमें डिनोट किया गया है, पी क्यू आर, और जो क्यू वाला है वो हमारा 90 डिग्री का है, और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो हमें निकालना क्या होगा, तो क्यू आर का वैल्यू निकालना होगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर यानी इसका वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। तो पी आर कितना है हमारे पास, तो पी आर 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इसको घटाते हैं तो आ जाता है 25, वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा हमें यहाँ पे क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें आ गया। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, इसीलिए देयरफॉर यानी क्या निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। पहले उस फॉर्मूला को एक बार लिख लेते हैं, लंब बटा आधार और ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पे लगाते हैं टैन पी यानी एंगल पी से हमें लगाना है, तो इसके सामने की भुजा ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है क्यू आर, क्यू आर लंब है और आधार क्या है पी क्यू, हमें यहां पे आधार है ठीक है, और आर से ले रहे हैं, एंगल आर से ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो ये लंब होगा यानी ये आधार होगा, तो क्यू आर बटे क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा एंगल ए से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब लिखिए। तो क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू का वैल्यू 12, ये भी 5/12, आप यहीं पे करके 0 कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, सेकेंड वाला का 0 आंसर आ गया। आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा मेरे साथियों, इसको आप लोग आराम से लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है, चाहे एक ग्रुप है, लिंक है, लिंक में जाकर जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप लोग पूरी सुविधा, आपकी पूरी जितनी प्रॉब्लम है सभी को हल किया जाता है मेरे साथियों ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बैठते हैं, आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन, नंबर 3 है क्या, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान हमें परिकलित यानी टेन ए का मान, ये सब का मान हमें निकालना है। जो चीज हमें पहले दे दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, क्या है साइन ए बराबर हमें दे दिया गया है 3/4, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। आप जैसे बनाइए, दो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, उस चीज की यहां बगल में हम एक फिगर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये चीज मैंने यहां पे बना लिया है ठीक है मेरे साथियों। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा लंब, यहां पे देखिएगा लंब बराबर कितना हो जाएगा 3, ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला उसका कर्ण है, तो कर्ण बराबर 4 हो जाएगा, यानी लंब है एंगल ए ले रहे हैं तो इसका लंब ये हो जाएगा, तो लंब 3 है और कर्ण ये वाला इसका 4 है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, चाहे आप P बटा H लिख कर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
जो इसको है लंब है, लंब को हम लोग क्या लिख सकते थे, इसका बीसी, और कर्ण को एसी भी लिख के हम लोग बना सकते थे। लेकिन आपको पूरा से एकदम अच्छे प्रकार से मैं समझा रहा हूँ, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी मेरे साथियों, ठीक है। इसमें देखिएगा सब एंगल एही के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए हम मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया है। तो आगे इसमें बात होता है क्या कि लंब हो गया, कर्ण हो गया, निकालना पड़ जाएगा हमें क्या, तो आधार को हमें निकालना पड़ेगा। तो आधार क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण कितना है हमारे पास, तो कर्ण हमें चार है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मैंने कर लिया, तो चार का वर्ग हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 9, और इतना किया जाएगा हमें आधार बराबर रूट अंडर 7, क्योंकि रूट का वर्गमूल, रूट 7 का वर्गमूल हमें नहीं निकलता है, ठीक है। इसमें एक बात आपको ध्यान देने वाली है, दो क्वेश्चन मैंने जो बनाया है उसमें सेंटीमीटर चाहे मीटर कुछ भी तो मालूम था, उसमें दिया गया था, बट इस वाले में हमें नहीं दिया गया है, यानी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट यानी के हम लोग लेते हैं। क्या फिर से हम लोग लिख लेंगे, लंब यानी लंब को क्या है इसमें लिया हुआ है, तो बी सी, लंब यानी बी सी बराबर कितना ले लेते हैं, 3 के कर्ण ए सी बराबर 4 के, और जो इसका जो आधार हो जाएगा ये वाला ए बी, यानी आधार ए बी हो जाएगा, ये कितना हम लोग निकाले हैं, तो रूट 7 के यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब हमें बारी बारी से सबकी वैल्यूज हमें निकालनी है, तो हम लोग वैल्यूज को निकालेंगे, आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ आएगा मेरे साथियों। पहले निकालना है कॉस ए का वैल्यू हमें निकालना है, तो पहले यहाँ पे सीधे फॉर्मूलाज को आप एक बार लिख लीजिएगा कि कॉस ए यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा वर्ग क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां से आप आधार के जगह पे क्या लिख सकते थे, आधार के जगह पे ए भी लिख सकते हैं ए बी, या सीधे हम लोग वैल्यू रख लेंगे कि आधार बटा रूट 7 हम लोगों ने निकाल लिया है, तो वही रखते हैं वैल्यू, जैसे आप रखिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है मेरे साथियों। तो आधार हमें कितना हो जाएगा, तो रूट 7 के लिए है आधार, और कर्ण कितना है, तो कर्ण 4 के है, के से के कैंसिल हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए बराबर रूट अंडर 7/4 हमें आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका है टैन ए है, तो टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी इसी का मैंने लंब और आधार तो यहाँ पे डिनोट कर, पहले यहाँ पे लिख देती है हमारा रूट 7 है। इस एंगल से ये तो आधार ले लिया हूँ, ये सॉरी ये तो लंब मैंने ले लिया है, तो जिसको यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि सब चीज़ को हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सभी चीज़ को बहुत ही अच्छी प्रकार से लिख लिया है, जिससे हमें इस सब चीज़ को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से वैल्यू सीधे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को रख लेंगे। तो लंब हमारे पास कितना है, तो 3 के यानी 3 कॉन्स्टेंट में है, और आधार हमें रूट अंडर 7 के है, के से के कैंसिल, यानी यहाँ पर हो जाएगा टेन ए बराबर कितना हो जाएगा 3/√7, ये हमें आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी हमारे साथियों, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है, यानी साइन का भी वैल्यू और सेक का वैल्यू हमें यहाँ पे बताने। हम लोग क्या करेंगे, जो चीज हमें दिया गया है पहले उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, हमें दिया गया है 15 cot A = 8 दिया गया है। तो ये आप एक बात हमें यहाँ पे समझिएगा आप लोग, जैसे कि हमें 2x = 4 दिया गया है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू तो निकालेंगे ना, तो एक्स बराबर कितना 4/2 करते हैं, कट के हमें 2 आ जाता है। इसी चीज को आपको मैं समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं। तो यहां से 15 को हटाएंगे तो इसके भाग में हो जाएगा, तो cot a बराबर 8/15 हमें आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो आधार बराबर 8 और लंब बराबर नीचे वाला कितना है, तो 15 हो जाएगा। तो हमें निकालनी क्या पड़ जाएगी, तो कर्ण हमें इसमें निकालनी पड़ेगी, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज आपको आती होनी चाहिए, ये सब जो फॉर्मूला है आपको आती होनी चाहिए, जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है। तो लंब हमें 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 8 का भी इधर वर्ग करेंगे, तो 15 का वर्ग यानी स्क्वायर कितना आता है, 225,
और 8 का आ जाता है 64, दोनों को जोड़ते हैं तो 279 आ जाएगा। ये कितना इसका वर्गमूल आ जाएगा 17, यानी कर्ण बराबर हमें कितना आ गया तो 17 आ गया। एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, उसमें के लगा के, यूनिट नहीं दिया है तो हम लोग के लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन आप मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग के यहाँ पे लिख लीजिएगा मेरे साथियों। एक बार फिर से लिख लेते हैं, आधार बराबर क्या हो जाएगा तो आधार बराबर 8 के और लंब बराबर कितना 15 के और कर्ण बराबर हो जाएगा 17 के। अब हमें वैल्यू निकालनी है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है तो लंब कितना हो जाएगा 15 के और कर्ण हो गया 17 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए बराबर कितना रहा हमें 15/17, ये हमें आंसर हो गया। दूसरा हमें है सेक ए निकालनी है, तो सेक ए निकालनी है तो सेक क्या हो जाएगा, यानी कॉस का यह उल्टा होता है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा तो हमें हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, सॉरी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू कितना है हमें 17 के है और आधार का वैल्यू 8 के है, कैसे के कैंसिल, 17/8 हो जाएगा, सेक ए बराबर हमें यह आंसर हो जाएगा। यहां से आपको समझ में आ रही होगी। एक दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर जे हम यहाँ पे किस चीज के माध्यम से भी बना सकते हैं, यहाँ पे अब फिगर के माध्यम से भी हम यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है मेरे साथियों, फिगर के माध्यम से बना लीजिए, चाहे इस चीज को फिगर के माध्यम से अगर जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे कॉट ए बराबर आधार बटे, यानी इसका ये वाला आधार, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार है तो आधार ये 8 हो जाता, लंब ये 15 हो जाता, इसको हम लोग निकालते तो 17 हो जाता। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, जो आधार है, सॉरी ये लंब है, तो लंब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बी सी लिख सकते हैं, आधार को ए सी और कर्ण को ए सी लिखकर उस प्रकार से ही हम लोग बना सकते थे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज भी आपका सही है जो आप मेथड से बना रहे हो, जिस मेथड से, आपको सब चीज आपकी सही होंगी, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन और आपकी फॉर्मेट सही होनी चाहिए मेरे साथियों। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर वो आ जाएगा 4, मैंने बात कर ली, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हम लोग क्वेश्चन नंबर है 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी अन्य सभी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी हमें इसमें बनानी है, सभी को हमें निकालनी है। तो पहले हम लोग बनाते हैं इसको, क्या है हमें दिया गया है sec थीटा, तो sec थीटा 13/12 हमें दिया गया है। हम लोग जानते हैं sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये cos का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हमें हो जाएगा, ठीक है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमें दिया गया है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13 और आधार बराबर क्या हो जाएगा तो आधार बराबर 12 हो जाएगा। इसका हम लोग फिगर के माध्यम से भी बना सकते हैं, तो फिगर मैं बना देता हूं आपको, अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। इसे ए बी सी और इसको 90° ले लेते हैं और एंगल यहां पे थीटा लेते हैं, तो ये इसका कर्ण हो जाएगा 13, इसका आधार हो जाएगा 12, हमें निकालनी है लंबी, यानी ए बी निकालनी है, ए बी करके निकालिए या लंब करके निकालिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जो आपको समस्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथियों कमेंट कीजिएगा आप लोग कि हाँ सर इस चीज में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो सभी चीज के बारे में हम उसमें आपको समझाकर आपको बताएंगे। चाहे लिंक जो नीचे दिया गया है व्हाट्सएप लिंक, उसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा मेरे साथियों। तो ये क्या है, लंब बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे और आधार हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाता है, आ जाएगा 25 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी लंब बराबर हमें क्या आ गया तो 5 आ गया। यहाँ पे कोई यूनिट के साथ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग कॉन्स्टेंट यानी के ले लेते हैं, फिर से एक बार लिख लेंगे कि लंब बराबर कितना आ गया तो 5 के, आधार बराबर है 12 के और कर्ण बराबर कितना है हमारे पास तो 13 के है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, तो हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है sec थीटा दिया पड़ जाएगी साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा और cosec थीटा, 5 को हमें इसमें निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग साइन थीटा को निकालते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा,
तो लंब का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, तो 5 के बटा 12, सॉरी कर्ण हमारे पास 13 के है, तो के से के कट गया, तो 5/13 साइन थीटा बराबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें आता है कॉस थीटा, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमें कितना है, तो आधार 12 के और कर्ण हमें हमारे पास है 13 के, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/13 हमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमें टैन थीटा, तो लंब बटा आधार हो जाता है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास कितना है 5 के और आधार हमारे पास 12 के है, कैसे के कैंसिल करेंगे तो 5/12 हमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कोट थीटा, तो कोट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आधार का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो आधार के वैल्यू इसी को पलट देते हैं, आधार 12 के और लंब हमारे पास 5 के, कैसे के कैंसिल, 12/5 हमें आंसर हो गया। इसके बाद तो हमें सेक नहीं निकालनी है, इसके बाद हमें क्या निकालनी है, तो कोसेक निकालनी है, कोसेक थीटा जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा होता है कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू कितना है 13 के और लंब का वैल्यू कितना है, हमें लंब है 5 के, कैसे के कैंसिल, 13/5 हमें यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा मेरे साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग 5 ही क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे के क्वेश्चन के बारे में पूरी डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा मेरे साथियों। तो अगर जो हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, और इतना प्यार और दुलार देने के लिए आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना फैला दीजिए जिससे आपके साथियों जितने आपके साथी क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी उनके पास ये मैसेज पहुंच जाए कि इतनी अच्छी पढ़ाई ये राज क्लासेस हमें दे रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, तो आपके लिए मैं बहुत अच्छी कंटेंट अच्छी प्रकार से और भी आप साइंस और मैथ्स की सभी चीज के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके साथ लेकर आऊंगा मेरे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।